हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका सेल बायोलॉजी के पार्ट फोर वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग से स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज एनिमल सेल के बारे में देखे थे। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा हो तो कृपया करके देख लीजिए, ताकि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आए स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज प्लांट सेल। टॉपिक नंबर हो गया आपका 4। मेरा नाम है रविकांत और स्वागत है आपका प्यारा चैनल रवि बायोलॉजी क्लासेस में। जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल हम लोग क्यों बोल रहे हैं, तो हम लोग एक जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे प्लांट सेल का। हालांकि प्लांट सेल जो होते हैं डिफरेंट टाइप का होते हैं, जो डिफरेंट शेप होते हैं, साइज में होते हैं और एक्टिविटी में, लेकिन इनमें कुछ कुछ कॉमन होती है जिसे हम लोग जनरलाइज प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसके सबसे पहले पिक्चर बनाते हैं एक प्लांट सेल का, और उसके बाद हम लोग आउटलाइन करेंगे उसमें सेल ऑर्गेनेल का, और उसके सारे सेल ऑर्गेनेल के फंक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। ये हो गया आपका जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, ये हो गया सेल वॉल, और ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम लोग इसमें सेल ऑर्गेनेल को ड्रॉ करेंगे। ये हो गया वैक्यूल। प्लांट के केस में जो होता है, ये वैक्यूल काफी बड़ा होता है, लगभग 90% जो स्पेस होता है सेल का वो वैक्यूल कवर करता है, और कहीं पेरिफेरी पे इसका न्यूक्लियस होता है। ये हो गया आपका पेरिफेरी पे न्यूक्लियस, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। जैसे हम लोग एनिमल के केस में देखे थे, इसके पास भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं एज यूजुअल एनिमल सेल की तरह। इस पर भी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। कुछ कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच, जिसे हम लोग पूरी तरह से ड्रॉ करके देखने की कोशिश करेंगे। ये हो गया आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। इसके अंदर होगा आपको न्यूक्लियोलस होगा, और ये हो गया आपका डीएनए ऐसे प्रेजेंट होगा। इसके अंदर भी फ्री राइबोसोम होंगे, ये हो गए फ्री राइबोसोम।
ये हो गए आपके माइक्रोटिब्यूल। प्लांट के केस में ये होता है, ये आपको तीन स्ट्रक्चर दिखाया हम लोग, तीन दो लेयर दिखाया हम, क्यों आपने सोचा ये किस लिए दिखाया गया? एनिमल के केस में हम लोग एक ही स्ट्रक्चर देखे थे, केवल ये वाला। तो एज यूजुअल हम लोग इसमें देखे थे एनिमल सेल में, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गया सेल वाल। सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक होते हैं सेल वाल। तो ये दोनों जो होता है सेल वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल के केस में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया सेल वाल। इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा चीज होता है, वो हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह का होता है क्लोरोप्लास्ट। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जैसा कि न्यूक्लियस होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इसके अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है। ये हो गया आपका क्लोरो प्लास्ट, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट इनवेलप, क्लोरोप्लास्ट इनवेलप। ये हो गया आपका ग्रेना। अब इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर भी फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। ये हो गया आपका गोल्जी एपरेटस। प्लांट के केस में इसे हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं, इसे हम लोग डिक्टियोसोम ही लिखेंगे। इसे हम लोग वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और इसके अंदर सेल शेप होता है, और ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्यूल। ये हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भाई, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
क्लोरोप्लास्ट ऐसे फैले होते हैं, एक ही क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्लांट सेल के केस में। ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर है क्रोमेटिन। यहां है न्यूक्लियोलस। पिक्चर आपको क्लियर दिख रहा है? अब हम आते हैं इसके फंक्शन देखने। सबसे पहला नंबर, इनमें एक एक्स्ट्रा चीज होता है, वो सेल वॉल हो गया और ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, जो कि बहुत सारे होते हैं यहाँ यहाँ ऐसे करके बहुत सारे फैले होते हैं सेल के अंदर। वैक्यूल जो होता है इनमें बड़ा होता है, 90% स्पेस जो होता है वैक्यूल लेता है। बाकी सारा जो है एनिमल सेल के जैसा ही होता है। इनके पास भी, न्यूक्लियस के पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इनमें भी क्रोमोसोम होते हैं, इनमें भी डीएनए रैप्ड होते हैं न्यूक्लियस के डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में, और इनमें भी फ्री राइबोसोम होते हैं और माइक्रोटिब्यूल भी इनमें प्रेजेंट होता है एज यूजुअल एनिमल सेल की तरह। इनके गोल्जी बॉडी को हम लोग डिक्टियोसोम का नाम देते हैं। और ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। ये जितने भी आप सेल ऑर्गेनेल देख रहे हैं, जितने भी हैं, ये साइटोप्लाज्म में तैरते हुए रहते हैं। वैक्यूल जो है इसमें बड़ा है, इनमें वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है। प्लांट के केस में बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल होता है जो कि स्टोर होता है वैक्यूल के अंदर। सेल का सैप इनमें स्टोर होता है। दूसरा हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें भी लिपिड की आवश्यकता होती है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले से प्रेजेंट होता है जो कि लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है। इधर भी हम लोग एक डिक्टियोसोम बना लेते हैं, क्योंकि डिक्टियोसोम पूरा प्रेजेंट होता है पूरा सेल में। इसका काम होता है पैकिंग करना। जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना के इसके पास भेजेगा, प्रोटीन जो भी मटेरियल बना के भेजेगा इसके पास, ये क्या करता है, पैक करता है, और पैक करने के बाद सेल मेम्ब्रेन से होते हुए बाहर भेज देता है। क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ प्लांट सेल बोलते हैं, और किचन ऑफ प्लांट बोल सकते हैं इसको। इसी के कारण जो पत्तियों का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। इसी में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और इसी में प्लांट का भोजन तैयार होता है। इनके केस में एक्टिन फिलामेंट होते हैं, जो कि हम लोग एज यूजुअल प्लांट एनिमल सेल में भी देखे थे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज यूजुअल एनिमल सेल में भी देखे थे। वैक्यूल इनमें थोड़ा बड़ा होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज यूजुअल जो हम लोग एनिमल सेल में देखे थे, सेम उसी वैसे ही फंक्शन होता है। इसमें भी फ्री राइबोसोम इसमें भी होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप होता है। ये वाला जो इनका कवरिंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप होता है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, दो पन्नी से बांधा गया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अब हम देखेंगे बैक्टीरिया सेल के बारे में, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इस पिक्चर को आप खुद से बनाने का कोशिश करें, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो, क्योंकि खुद से बनाया भोजन ज़्यादा टेस्टी होता है जो माँ बना के देती है उसके तुलना में। तो चलिए हम लोग बैक्टीरिया सेल के बारे में देखते हैं, इसे हम मिटाते हैं। आप वीडियो पॉज करके आप इसका पिक्चर बनाएं। ये तो था हम लोग जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट और एनिमल सेल के को देख लिए, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो आइए हम लोग बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या सिमिलरिटी होता है प्लांट और एनिमल सेल से, और क्या डिसिमिलरिटी होता है।
बैक्टीरिया का सेल का स्ट्रक्चर जो होता है कैप्सूल की तरह होता है। जिस प्रकार आप जाइएगा केमिस्ट के दुकान पे तो आपको जो वो दवा देता है वो एक टैबलेट देगा या फिर कैप्सूल देगा, तो कैप्सूल का आकार आपको कुछ इस तरह का दिखेगा और ऐसे डिवाइड होता है, या इधर रेड कलर होगा या फिर ब्लू कलर होगा, इधर वाइट कलर होगा या फिर रेड कलर होगा, और उसके बाद हम लोग उसे कंज्यूम करते हैं अपने रोग को ठीक करने के लिए। ठीक उसी तरह बैक्टीरिया का भी सेल का शेप कैप्सूल का होता है। ये हो गया आपका सेल वॉल, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने मिल जाएगा। जिसे हम लोग थायलाकॉइड कहते हैं। इसके ठीक सरफेस पे क्लोरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे आपको ऐसे ऐसे वेसिकल देखने को मिल जाएंगे जिसका नाम होगा क्लोरोबियन वेसिकल्स। इसके अंदर सिंगल क्रोमोजोम होते हैं, उनका इस तरह स्ट्रक्चर होता है, यहीं पे होते हैं, यहां पे होते हैं, ये हो गया क्रोमोसोम। यहां पर भी ये हो गया राइबोसोम, ये हो गए राइबोसोम साइंथेसिस, साइजिंग प्रोटीन। ये जो होता है ये आरएनए होता है और राइबोसोम इसे पकड़ के और जोड़ के इसे प्रोटीन बनाता है। इसे इसमें प्रोटीन का साइंथेसिस का प्रक्रिया हो रहा है जिसे हम लोग राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन, इस कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है जब राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इसके अंदर होता है मेसोसोम, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया आपका मेसोसोम, ये केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में मेसोसोम होता है, जो होता है एब्सेंट होता है। इसके पास होता है फ्लैगिलम, कुछ इस तरह का होता है स्ट्रक्चर, और यहाँ पे होता है पिल्ली, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग पिल्ली बोलते हैं। ये हो गया फ्लैगिला, फ्लैगिला जो होता है वो तैरने में मदद करता है, स्विमिंग में। जैसे ये वाटर में है या फिर हमारे बॉडी फ्लूइड में है बैक्टीरिया, तो स्विम करता है फ्लैगिला के थ्रू। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है और इनके अंदर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारे बॉडी में छोटे 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 हेयर होते हैं, ठीक उसी के स्ट्रक्चर की तरह एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसे हम लोग पिल्ली बोलते हैं बैक्टीरिया के केस में। यहाँ पे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हो गया सिंगल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम डीएनए के पार्ट होता है क्रोमोसोम। एनिमल्स के केस में ह्यूमन बीइंग हो गए हैं जिनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। हर एक एनिमल में अलग अलग नंबर के क्रोमोसोम होते हैं, किसी में 46 होगा, हम लोग में 46 हो गया, किसी में 30 हो गया, किसी में 66 हो गया। ये ऑड नंबर में नहीं होते हैं, ये इवन नंबर में होते हैं हमेशा। थायलाकॉइड का काम क्या होता है? थायलाकॉइड भी एक तरह का साइंथेसाइजिंग होता है, फोटोसाइंथेसाइजिंग पार्ट होता है जिसमें फूड का सिंथेसिस फोटो लाइट के प्रेजेंट में होता है। और इसके अंदर पूरा साइटोप्लाज्म भरा होता है, पूरा आपको दिख जाएगा साइटोप्लाज्म।
इनके अंदर जो होता है सारे जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं सेल के ऑर्गेनेल, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म, ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो होता है इनमें प्रोमिनेंट नहीं होता है, ऐसे कोई कहीं भी आपको मिल जाएगा एक सिंगल क्रोमोसोम तैरता हुआ से साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ आपको दिख जाएगा। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं, इसी कारण सेल के अंदर तैरते रहते हैं। सेम केस होता है जैसे हम लोग एनिमल के केस में देखे थे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सेम केस होता है बैक्टीरिया के केस में भी। ये प्रोटीन का सिंथेसिस एमआरएनए होता है, जो ये हो गया आपका एमआरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये हो गया एमआरएनए जो होता है, ये सिंगल क्रोमोजोम से एमआरएनए बन के आता है और एमआरएनए को राइबोसोम पकड़ के और प्रोटीन का सिंथेसिस का काम करता है। तो ये हो गया आपका जनरलाइज सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई पे कंसंट्रेशन बढ़ाइए, बुक से दोस्ती कीजिए और साथ साथ मेरे से भी। मेरे से दोस्ती करने के लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, तभी आप मेरे से दोस्ती कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।